बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात और नसीहतों पर मबनी मुख्तलिफ वाक़यात पर मुश्तमिल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 30 साल की उम्र में रस्मी तौर पर लोगों के सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया। चूँकि जो भी रसूल आया उसने मौजज़ात के ज़रिए अपनी रिसालत को साबित किया, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की निशानियां लेकर आया हूं। इसके बाद अपने 5 मौजज़ात बयान करते हुए कहा, मैं मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाऊंगा और उसमें कुछ दम कर दूंगा तो वो हुक्म खुदा से परिंदा बन जाएगा। मैं पैदाइशी अंधे को बीनाई दूँगा। मैं बर्स के मरीज़ का इलाज करूँगा। हुक्म खुदा से मुर्दों को ज़िंदा करूँगा। तुम्हें इस बात की खबर दूंगा कि तुम क्या खाते हो और घर में क्या ज़खीरा करते हो। यकीनन इन सब में तुम्हारे लिए निशानियां हैं अगर तुम साहिब ईमान हो। अल्लाह मेरा और तुम्हारा दोनों का रब है, लिहाजा उसकी इबादत करो कि यही सिरात मुस्तकीम है। कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और कुछ लोगों ने उनका इनकार किया और उनके मौजज़ात को सहर व जादू से ताबीर किया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को दावत तौहीद देते रहे और उन्हें पंदो नसीहत के ज़रिए राह हक़ की तरफ हिदायत करते रहे। एक दिन वो अपने 12 ख़ास दोस्तों, जिनको हवारी कहा जाता था, के हमरा सरज़मीने उर्दन से बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हुए। दौरान सफ़र उन्होंने जो भी अंधा और अपाहिज देखा उसे इज़्ने खुदा से शिफा दी। उन्होंने यूं लोगों को खुदा की निशानियाँ दिखाईं, बुत परस्तियों इनहराफात से रोका और खुदावंदे अज़ीम की तरफ रहनुमाई की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी 12 अफराद थे जो उनके खासुल खास दोस्त थे और उनके साथ मुखलिस थे सिवाय एक के। उन हवारियों के नाम ये थे, पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलोपस, बर्तलूलमा, तोमा, मती, याकूब बिन हल्फा, शमऊन, यहूदा जो कि याकूब के भाई थे, और यहूदा अस्करयोती। इस आखिरी हवारी यहूदा अस्करयोती ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खयानत की थी। इस मुनाफिक शख्स ने यहूदियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताया था, जिसके बाद वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ कर ले गए थे और उनको सूली पर लटका दिया था। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया था, जहाँ वो अब तक ज़िंदा हैं। ये हवारी अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, लेकिन ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आसमानी मौजदा देखकर अपने दिल को यकीन से सरशार करना चाहते थे। लिहाजा एक दफ़ा उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमानी दस्तरखान मुहैया कर सकता है? उनके इस मुतालबे ने, जो शक व शुबा की बू दे रहा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को परेशान कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें तंबीह करते हुए फरमाया, अगर तुम लोग ईमान लाए हो तो खुदा से डरो। हवारियों ने कहा, हम चाहते हैं कि उस ग़िज़ा से खाएं ताकि हमारे दिल इत्मीनान व यकीन से सरशार हों और अच्छी तरह जान लें कि आप अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा है वो सच है, ताकि उस पर गवाही दें। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके हुस्न नीयत से आगाह हो गए तो खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, खुदाया हमारे लिए आसमानी दस्तरखान नाजिल फरमा कि हमारे अव्वल व आखिर के लिए ईद हो जाए और आपकी तरफ से एक निशानी शुमार हो। हमें रोज़ी अता फरमा, तू बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। खुदावंदे मुताल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, मैं आपके लिए ऐसा ही दस्तरखान भेजता हूँ, लेकिन ये बात याद रख लें कि दस्तरखान नाजिल होने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसके बाद तुम में से जो भी इनकार करेगा उस पर ऐसा अजाब नाजिल करूंगा कि आलमीन में से किसी पर नहीं किया होगा। दस्तरखान नाजिल हुआ, उसके अंदर कुछ रोटियां और मछलियां थीं। चूंकि वो बरोज़ अतवार नाजिल हुआ, लिहाजा उन्होंने इस रोज़ को रोज़े ईद करार दिया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की एक दुआ में भी है कि यह दस्तरखान हमारे लिए ईद का मूजिब हो, यानी हमें हमारे वजदान और फितरत की तरफ पलटाए कि जो तौहीद और ईमान की असास पर है। रिवायत है कि मुतअद्दद बार दस्तरखान नाजिल होने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की
कि आसमानी दस्तरखान फुकरा के लिए बिछाएं ना के उमरा के लिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब ऐसा हुआ तो मालदार लोग शक व तरदीद में पड़ गए और दूसरे लोग भी उस दस्तरखान के मौजदा होने के बारे में शक करने लगे। खुदा वंदे मुताल ने इसी वजह से उनमें से 333 मर्दों को सूर की शक्ल में मसख कर दिया, जो उल्टी सीधी हरकतें करते और गंदगी वगैरह खाते। उन लोगों के रिश्तेदार गिरिया उजारी करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर आए, लेकिन 3 रोज़ बाद वो सब के सब हलाक हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तबलीग दीन के लिए एक अहम तरीन काम सैर व सियाहत था। आप अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था जिसका कद छोटा था। वो हमेशा आप अलैहिस्सलाम के साथ नज़र आता था। एक सफ़र में वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा सफ़र पर रवाना हुआ। दोनों चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुँचे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यकीने खालिस से कहा बिस्मिल्लाह, फिर पानी पर चलना शुरू कर दिया। उस छोटे कद के शख्स ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पानी पर चलते देखा तो उसने भी यकीने खालिस से बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर चलना शुरू कर दिया। वो चलते चलते जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा तो खुद पसंदी के जाल में फंस गया और अपने आप से कहने लगा, ये ईसा रूहुल्ला हैं जो पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूँ। फमा फजलहु अलैया, बस उन्हें मुझ पर क्या फजीलत हासिल है। उसी लम्हा उसके पाँव बेकरार हुए और पानी में गर्क होना शुरू हो गया। उसने फरियाद बुलंद की, ऐ रूहुल्ला, मेरा हाथ थाम लें और मुझे गर्क होने से बचा लें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, उसे बाहर निकाला और फरमाया, ऐ दोस्त, तुमने क्या कहा है कि पानी में डूबने लगे थे। पस्त कद दोस्त ने कहा, मैंने कहा था कि रूहुल्ला भी पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूँ, बस हमारे दरमियान क्या फ़र्क है। यानी मुझे खुद पसंदी ने अपने नरगे में ले लिया था, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने खुद पसंदी की वजह से अपने आप को उस मकाम व मर्तबा पर समझा जो खुदा ने तुम्हारे लिए करार नहीं दिया था, लिहाजा तेरे ऊपर खुदा का गज़ब नाजिल हुआ है। जो कुछ तुमने कहा है अब उससे तौबा करो। उस शख्स ने तौबा की, इसके बाद उसे वही मकाम व मर्तबा मिल गया जिस पर खुदा ने उसे फ़ायज़ किया हुआ था। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के हमरा सैर व सियाहत करते हुए एक गांव बलाजदा तक पहुँचे। क्या देखते हैं कि वहाँ पर इंसान, परिंदे और चरिंदे सब मौत की नींद सो रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, मालूम होता है कि ये सब लोग अज़ाब इलाही की वजह से मौत के घाट उतर चुके हैं, क्योंकि अगर वो यके बाद दीगरे मरते तो ज़रूर एक दूसरे को सपुर्द खाक करते। हवारियों ने अर्ज़ किया, ऐ रूहे खुदा, अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करें कि वो उन्हें ज़िंदा करे ताकि नाजिल होने वाले उस अजाब की वजह बयान करें जिसकी ज़द में ये लोग आए, ताकि हम उस काम से परहेज़ करें जिसकी वजह से उन पर यह अजाब नाजिल हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में उनके ज़िंदा होने की दरख्वास्त की। आसमान से आवाज़ आई कि उन्हें आवाज़ दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त एक टीले पर चढ़े और फरमाया, ऐ इस गांव के लोगों, उनमें से एक शख्स जिंदा हुआ और उसने कहा, हाँ ऐ कलमाए खुदा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर अफसोस, तुम्हारा क्या किरदार था कि तुम इस अजाब में गिरफ्तार हुए हो। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, 4 चीज़ों की वजह से हम पर अजाब इलाही नाजिल हुआ है। तागूत यानी गुमराही की परस्तिश, खुदा से कम खौफी और दुनिया से दिल वाबस्तगी, लंबी चौड़ी आरजुएं और दुनिया के खेल कूद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा दिल दुनिया से किस कदर वाबस्ता था। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, जिस कदर माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है, जिस वक्त दुनिया हमारी तरफ रुख करती है हम खुशहाल होते हैं, और जब पुश्त कर देती है तो हम गिरिया उजारी करते हैं और गमजदा हो जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग तागूत की कैसे परस्तिश करते थे। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम गुनाहगारों की अतात व पैरवी करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे काम की आकबत कैसे अंजाम पजीर हुई। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम रात में खुशी खुशी सोए थे और उसकी सुबह को हाविया में थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाविया क्या है। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हाविया सिज्जीन है,
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सिज्जीन क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, आग से पिघले हुए पहाड़ हैं जो ता क़यामे क़यामत हमारे ऊपर भड़कते रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिस वक्त तुम लोग हलाक हुए थे तुमने क्या कहा था और अल्लाह ताला के फरिश्तों ने तुम्हें क्या कहा था? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हमने कहा था कि हमें दुनिया की तरफ पलटा दो कि वहाँ पर नेक काम अंजाम दें और जाहिदो पारसा बन जाएं। तो हमें जवाब दिया गया कि तुम झूठ बोलते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपके हाल पर अफसोस, क्या हुआ है कि इन हलाक होने वालों में से तुम्हारे अलावा मेरे साथ किसी और ने गुफ्तगू नहीं की है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, ऐ रूहे खुदा, उन सब के मुंह आग से बंद किए हुए हैं और वो सब करीहुल मंजर फरिश्तों के हाथों गिरफ्तार हैं। मैं दुनिया में उन लोगों के दरमियान रहता था लेकिन उनसे नहीं था और उनकी तरह गुनाह नहीं करता था। जब अमूमी अजाब आया तो मैं भी उसमें गिरफ्तार हो गया था। इस वक्त बाल की मानिंद बारीक तार से दोजख की घाटी के किनारे लटका हुआ हूँ। मालूम नहीं है कि वहाँ से दोजख में गिरूँगा या निजात पा जाऊँगा। शायद उस शख्स को अजाब अम्र बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर तर्क करने की खातिर हुआ होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ए खुदा के दोस्तों, दिए हुए नमक से खुश्क रोटी खाना और लकड़ी के रेजों पर सोना बहुत अच्छा है अगर वो दुनिया और आखरत की सलामती के हमराह हो। बनी इसराइल के दरमियान एक ऐसा ख़ानदान आबाद था कि उनमें से जो कोई भी 40 रातें सुबह तक मुसलसल इबादत और राजो नियाज में गुजारता तो उसकी दुआ कबूल हो जाती। उसी ख़ानदान के एक शख्स ने 40 रातें इबादत खुदा और राजो नियाज में गुजारी। इसके बाद दुआ की लेकिन उसकी दुआ कबूल ना हुई। वो बहुत परेशान हुआ। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत अकदस में हाजिर हुआ, शिकायत की और उनसे इल्तमास की कि उसके लिए दुआ करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वुज़ू किया और दो रकत नमाज बजा लाए। इसके बाद उस परेशान हाल बंदे के लिए दुआ की। उसी वक्त उन पर खुदा ने यूं वही नाजिल फरमाई, ऐ ईसा, मेरा ये बंदा सही रास्ते पर गामजन होकर दुआ नहीं कर रहा है। वो मुझे तो पुकारता है लेकिन उसके दिल में तेरी पैगंबरी के बारे में शक है। इस वजह से अगर वो इस कदर दुआ करे कि उसकी गर्दन कट जाए और उसकी उंगलियों की पोरें ख़त्म हो जाएं, तो मैं तब भी उसकी दुआ कबूल नहीं करूँगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह सारा माजरा उस शख्स से बयान किया। उसने अर्ज किया, ऐ रूह खुदा, हकीकत वही है जो आप अलैहिस्सलाम ने बयान की है कि मैं आप अलैहिस्सलाम की पैगंबरी के बारे में मशकूक था। अब खुदा की बारगाह में मेरे लिए दुआ करें कि यह शक बरतरफ हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रहबरी का यकीन हुआ। इसके बाद उसकी तौबा कबूल हुई और अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद की तरह 40 रात इबादत राजो नियाज के बाद उसकी दुआ भी कबूल हुई। एक दिन किसी शख्स ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे शख्स को ज़िंदा किया है जिसने ज़िंदा होने के बाद कुछ अरसा ज़िंदगी गुजारी हो, दुनिया की नेमतों से इस्तफादा किया हो और साहिब औलाद हुआ हो? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दीनी भाई और मुखलिस दोस्त थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब भी उसके घर के करीब से गुजरते उसके घर में जाते और उसकी अहवाल पुरसी करते। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम एक मुद्दत के लिए सफ़र पर चले गए। जब वापस पलटे तो उन्हें अपना दीनी भाई याद आया। उससे मिलने उसके घर गए ताकि अहवाल पुरसी करें। उस शख्स की माँ घर से बाहर आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ है? माँ ने कहा, ऐ पैगम्बरे खुदा, मेरा बेटा दुनिया से चल बसा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की वालदा से पूछा, क्या आप पसंद करती हैं कि अपने बेटे को ज़िंदा देखें? माँ ने अर्ज़ किया, हाँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कल आपके पास आऊँगा और आपके बेटे को इज़्ने खुदा से ज़िंदा कर दूँगा। जब कल हुई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्त की वालदा के पास आए और फरमाया, आएँ दोनों मिलकर आपके बेटे की कब्र पर चलते हैं। माँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमराह अपने बेटे की कब्र